नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 18 अक्टूबर 2016 को मंडी हिमाचल प्रदेश में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए मिटने वाली पीढ़ियों की परंपरा वाला हिमाचल वीरों की जन्मभूमि है और अगर परमवीर चक्र की सूची देखें तो छोटा सा दिखने वाला हिमाचल अपनी आन बान और शान के साथ पूरे हिंदुस्तान में सिर ऊंचा करके खड़ा हुआ दिखाई देगा। आज जब मैं यहां आया तो मुझे मन में थोड़ा संकोच हो रहा था, भीतर से थोड़ा मैं हिला हुआ था। मेरे मन में था कि हिमाचल के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, लेकिन मैंने यहां आने में बहुत देर कर दी। तो हो सकता है आप थोड़े नाराज होंगे, गुस्से में होंगे, ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन यहां आकर के मैंने देखा आपका दिल तो हिमालय जैसा बड़ा है, आपने उतना ही प्यार मुझे दिया। पल भर में जैसे बर्फ पिघल जाए, सारे गीले सिक्वे पिघल गए। मैं आपका सर झुका करके नमन करता हूं आपके प्यार के लिए। लेकिन आप जानते हैं, जब नई जिम्मेवारी मिलती है, नए नए काम को सीखना होता है, समझना होता है, तो फिर लगता है चलो अभी अपनों में तो थोड़ी देर के बाद जाएंगे तो भी चलेगा, कि यहां तो बहुत कुछ रहा हूं। और इसलिए स्वाभाविक भी था कि और काम करते 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 फिर आज आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला। और मंडी में आए, सेपू बड़ी की तो याद आ गई। और बिना झोल को काम चलेगा कैसे? लेकिन अब तो उससे भी नाता छूट गया है, लेकिन टेस्ट ऑफ मंडी अभी भी बरकरार है। हिमाचल दशहरे के लिए मशहूर है, कुल्लू का दशहरा तो देश भर के लोगों के कभी मन में रहता है कि कभी न कभी कुल्लू के दशहरा देखने के लिए चले जाएंगे। और कल ही रघुनाथ जी महाराज मंदिर वापस लौट गए हैं, बहुत हंसी खुशी के साथ, बड़ी भक्ति भाव से देवताओं का आगमन और विदाई, उसमें आप रोमांचित थे। वो भी एक शक्ति का स्रोत है। और आज हिमाचल की धरती से देश को भी एक नई ऊर्जा शक्ति का स्रोत का लाभ मिल रहा है। और उसी निमित्त आज मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला। एक साथ 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसके लोकार्पण करने का आज ये अवसर मिला है मुझे। और ये भी बड़ा कोइंसिडेंट कहिए, सौभाग्य कहिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, धूमल जी मुख्यमंत्री थे, और जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ था उसमें एक संगठन के प्रभारी के रूप में मैं भी मौजूद था। वो शिलान्यास हुआ तब कहां सोचा था कि उसके लोकार्पण के लिए कभी मुझे यहां आने का अवसर आएगा। लेकिन ये सुभग संयोग है कि आज मुझे
आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी के तहत अटल जी ने जिस कार्य को आरंभ किया था और अटल जी को हिमाचलवासी कभी बाहर के नहीं मानते थे, वो हमेशा मानते थे अटल जी तो हिमाचल के हैं। और अटल जी भी हमेशा मानते थे कि मेरा अगर कोई दूसरा घर है तो हिमाचल है। और इसलिए आज जब इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं तब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की दीर्घ दृष्टि को भी नमन करता हूं, उनका फार साइटनेस को भी वंदन करता हूं कि जो हिमाचल के पूरे आर्थिक जीवन को बदलने की ताकत रखता है, ऊर्जा की अपनी इतनी ताकत है, किसी एक माध्यम से भी हिमाचल हिंदुस्तान के छोटे राज्यों में विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने का सामर्थ्य रखता है। आज जब मैं मंडी में आया हूं तो मुझे खास करके मंडी जिले के नागरिकों का एक विशेष अभिनंदन करना है, हिमाचल के नागरिकों का अभिनंदन करना है। जब मैं यहां हिमाचल में संगठन का कार्यभार देखता था, तहसील तहसील तक दौरा करता था, अनेक मेरे चिरपरिचित चेहरे आज मेरे सामने मैं देख रहा हूं बड़े दिनों के बाद। उस समय धूमल जी की सरकार थी और शायद नड्डा जी हमारे फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री देखते थे। और इस बार मुझे दिल्ली में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्तम काम करने वालों को इनाम देने का अवसर आया तो मंडी जिला इनाम लेने वालों में से था। यहां की बहनों ने स्वच्छता के विषय में जो बीड़ा उठाया है और मंडी ने नाम रोशन किया है स्वच्छता के लिए, इसलिए मैं आज विशेष रूप से हमारे सांसद रामस्वरूप जी को, जिले की उनकी पूरी टीम को, यहां के नागरिकों को स्वच्छता के इस अभियान को सफल करने के लिए कोटि कोटि अभिनंदन देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां मंडी के सिवाय से भी बहुत लोग आए होंगे, मंडी वालों ने तो स्वच्छता के अंदर एक नई ऊंचाई पार कर ली है। लेकिन आप सबको भी मेरा आग्रह है कि जब इस सभा से वापस जाएंगे तो यहां वो प्लास्टिक की बोतल वोतल कुछ छोड़ करके मत जाना, उठा के ले जाओगे ना? ऐसे नहीं, जवाब दीजिए, पूरा मैदान सफाई करके जाओगे ना? वरना मंडी वाले हमारी शिकायत करेंगे, क्योंकि मंडी ने सफाई के लिए एक बहुत बड़ा पैरामीटर तय किया है। तो उनके इस अभियान को यहां पर भी आए हुए सबने मदद करनी चाहिए। और हिमाचल के लोग, ये देवभूमि ऐसे ही नहीं है, लोग भी इतने ही पवित्र हैं कि ऐसी पवित्र कामों को ताकत देने का उनका स्वभाव है। ये हिमाचल देवभूमि भी है, वीर भूमि भी है, ये वीरों की भूमि है। शायद यहां कोई परिवार ऐसा होगा जिसका लाल मां भारती की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात न हुआ हो, ऐसा शायद कोई परिवार मुश्किल से मिलेगा। हर परिवार में एक फौजी, हर परिवार में राष्ट्र के लिए मरने मिटने वाले लोगों की पीढ़ियों की परंपरा, ऐसी वीरों की भूमि है। अगर परमवीर चक्र की सूची देखें तो छोटा सा हिमाचल लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आन बान शान के साथ सर ऊंचा करके खड़ा हुआ दिखाई देता है।
मैं उन वीरों को नमन करता हूं, उन फौजियों को नमन करता हूं। आजकल पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। जितना गौरव आज जो सेना में तैनात है उनके लिए हम करते हैं, उतना ही गौरव उन सेवानिवृत्त फौजियों का भी है, क्योंकि उन्होंने भी इस महान परंपरा को कायम रखते हुए नई पीढ़ी को ये ताकत देकर के आए हैं। और इसलिए आज जो तैनात है अगर उनको 100-100 सलाम है, तो जो वहां से निवृत्त होकर के आए हैं और हिमाचल के हर घर में है उनको भी मेरा 100-100 सलाम है। भाइयों बहनों, मैं लोकसभा के चुनाव में यहां इसी मैदान में सभा करने आया था और उस सभा में मैंने वन रैंक वन पेंशन की बात कही थी। और आज इस वीर भूमि में आकर के सेना के इन बहादुर जवानों को, उनके परिवारों को नतमस्तक होकर के बड़े संतोष के साथ कह रहा हूं कि आपका जो हक था, जिसके लिए आप लोग 40-40 साल से लड़ रहे थे, सरकारें आई गई, वादे बहुत हुए, बड़े चुलबुले भाषण भी हुए और कुछ लोगों ने तो 200-500 करोड़ बजट में डाल करके आंख में धूल झोंकने का भी प्रयास कर दिया, लेकिन किसी ने हिसाब नहीं लगाया कि वन रैंक वन पेंशन आखिर है क्या, आर्थिक बोझ कितना आएगा, कैसे करेंगे, कुछ नहीं किया। जब आकर के मैंने इस काम हाथ में लिया तो हर दिन नई चीज निकलती थी, आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था। मैं तो हैरान था कि पहले की सरकार वन रैंक वन पेंशन में 200-500 करोड़ सोचती थी, ये मामला तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा जिम्मेवारी का बन गया। किसी भी सरकार के लिए एक मुश्त 10,000 करोड़ रुपया देना काफी बहुत मुश्किल होता है। मैंने फौज के लोगों से बात की, मैंने कहा भाई ये मेरा वादा है और मैं तो फौजियों को बड़ा आदर करने वाला व्यक्ति रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। फौज के लोगों ने मुझे कहा मोदी जी बताइए क्या चाहिए। मैंने कहा भाई एक मुश्त तो नहीं दे पाऊंगा, क्या इसको चार हिस्सों में टुकड़े कर दें तो चलेगा। मैं आज मेरे फौज के जवानों को नमन करता हूं, उन्होंने एक बात में मेरी बात को मान लिया और आज चार किस्त में, पहली किस्त का 5,500 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं और किस्त भी ऐसे ही मैं दे के रहूंगा। वन रैंक वन पेंशन 40 साल से लटका हुआ सवाल, देश के लिए मर मिटने वालों का सवाल, ये सरकार है जो देश की सेना का गौरव करने वाली उस काम को पूर्ण कर दिया। और आज जहां भी जाता हूं न सिर्फ फौजी
लेकिन फौज के परिवारजन मुझे इतने आशीर्वाद देते हैं, इतने आशीर्वाद देते हैं कि मुझे ऐसे लोगों के लिए कुछ और करने का हमेशा एक नया उत्साह मिलता है, ताकत मिलती है, मेरा हौसला बुलंद होता है।